हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन एनाटॉमिकल टर्म्स जो कि रिपीट होती रहती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक्स में। सो इन टर्म्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टर्म है एनाटॉमी। सो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज द साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। सो इसमें हम ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है उनको स्टडी करते हैं। सो एनाटॉमी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, और एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट के साथ क्या रिलेशन है, ये हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी के फर्दर टू ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी एंड देन है हिस्टोलॉजी। सो ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है? ग्रॉस एनाटॉमी में हम मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जो लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी, उसके ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम। सो ग्रॉस एनाटॉमी में हम इनको सुपरफिशियली स्टडी करते हैं, ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को एंड बॉडी को। देन है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं इनको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम किसको स्टडी करेंगे? सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गेनेल्स को। ऑर्गेनेल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो ग्रॉस में क्या डिफरेंस है? मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जैसे कि सेल्स या फिर टिश्यूज। देन हमारा आता है फिजियोलॉजी। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हैंड टू हैंड चलती है। फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो फिजियोलॉजी स्टडीज द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो फिजियोलॉजी में हम जो नॉर्मल फंक्शंस है ह्यूमन बॉडी के, कि जो स्ट्रक्चर्स है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। सो पैथो का मतलब होता है डिसीज एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो पैथोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ डिसीज, या फिर आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ द causes and effects of disease or injury on body. So disease या फिर injury का cause क्या है and उसका हमारी body पर क्या effect पड़ा है, ये हम pathology में study करते हैं। Next है etiology. Now what is etiology? Etiology होता है study of the cause of disease. So etiology का मतलब है कि cause क्या है study का। So इसको etiology या फिर simply causes भी कह देते हैं। So etiology is the study of cause of disease. Next is A or an. So A or an अगर किसी word के आगे लगा हुआ है, so उसका क्या मतलब है, वो किसको indicate कर रहा है? That is lack of or absence. Lack of means कमी होना या फिर completely absent होना। इसका example है anemia. So इसके आगे an लगा हुआ है anemia के आगे। So anemia क्या होता है? Blood में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होना। सो दैट इज लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड और लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ और एब्सेंस। नेक्स्ट इज एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। सो इसका एग्जांपल है एंटी कोगुलेंट। सो एंटी लगा हुआ है कोगुलेंट के आगे। सो कोगुलेंट का क्या मतलब होता है? क्लोट। सो क्लोट के अगेंस्ट जो वर्क करेगा दैट इज एंटी कोगुलेंट। सो एंटीकोगुलेंट क्लोट को डिसॉल्व करेगा। नेक्स्ट इज CARD, कार्ड। सो कार्ड वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? हार्ट को। सो लाइक कार्डियक। सो कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट। नेक्स्ट इज एंडो। एंडो मीन्स इनसाइड या फिर अंदर, जैसे कि एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? सेल के इनसाइड जब कोई मटेरियल मूव होता है तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज एक्सो। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। इसका एग्जांपल है एक्सोसाइटोसिस। सो एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? जब सेल के आउटसाइड कोई मटेरियल मूव होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज हाइपर। हाइपर का मतलब होता है एक्सेस या फिर अबव। सो इसका एग्जांपल है हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन क्या होता है? हमारे ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। सो दैट इज एक्सेस होना, या फिर जो हाइपरटेंशन की नॉर्मल लिमिट है, जो हमारे ब्लड प्रेशर की नॉर्मल लिमिट है उससे अबव जाना, दैट इज हाइपरटेंशन। देन है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है अंडर या फिर बिलो, मतलब कम, नीचे की तरफ। देन इसका एग्जांपल है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है? हमारे ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल लिमिट है उससे अंडर या फिर बिलो लिमिट आ रही है, कम आ रही है उससे, दैट इज हाइपोटेंशन।
देन आता है माइक्रो. माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल या फिर टाइनी. स्मॉल या फिर टाइनी या फिर छोटा. एग्जाम्पल क्या है इसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं. हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई. सो ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. देन है मेगा. मेगा का मतलब क्या होता है? लार्ज या फिर बिग, मतलब बड़ा. मेगा को आप मैक्रो भी बोल सकते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है? हिपैटोमेगैली. सो इसमें ये मेगा वर्ड आ रहा है हिपैटो के पीछे. सो हिपैटो का मतलब क्या है? लीवर. सो हिपैटो वर्ड किससे रिलेटेड है? लीवर से. सो लीवर की एनलार्जमेंट को बोलते हैं हिपैटोमेगैली, लीवर का बड़ा हो जाना. देन है आईटीआईएस. आईटीस. आईटीआईएस इसका मतलब है इंफ्लामेशन. सो इंफ्लामेशन क्या है? एक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का टुवर्ड्स अ इंफेक्शन या फिर टुवर्ड्स अ इंजरी, जिसको बोलती है इंफ्लामेशन. इसका एग्जाम्पल क्या है? अपेंडिसाइटिस. सो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स के पीछे लगा हुआ है आई टी आई एस. सो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? अपेंडिक्स की इंफ्लामेशन को. नेक्स्ट इज टैकी. टैकी का मतलब होता है एक्सेसिवली फास्ट, मतलब जल्दी से बढ़ना. सो टैकी कार्डिया. टैकी कार्डिया का मतलब है, कार्डिया मतलब हमारा हार्ट. तो हार्ट रेट जो है टैकीकार्डिया में वो एक्सेसिवली इंक्रीज होता है, दैट इज टैकीकार्डिया. हमारा हार्ट रेट जल्दी से बढ़ता है. देन इज ब्रेडी. ब्रेडी का मतलब होता है स्लो. इसका एग्जांपल है ब्रेडीकार्डिया. इसमें हमारा हार्ट रेट स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है. सो टैकी को आप याद रख सकते हैं टी फॉर टैकी. टी फॉर टॉप, मतलब हमारा हार्ट रेट ऊपर रहेगा, बढ़ेगा. बी से आप याद रख सकते हैं ब्रेडी मीन्स बॉटम. हमारा हार्ट रेट नीचे की तरफ जाएगा, स्लो होगा. नेक्स्ट टर्म है नेफ्रो. सो नेफ्रो किसको इंडिकेट करता है? किडनी को. सो अगर किसी टर्म के आगे नेफ्रो लगा हुआ है, सो हम किडनी की बात कर रहे हैं, जैसे कि नेफ्रोन. सो नेफ्रोन क्या है? किडनी का फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट. नेक्स्ट इज न्यूरो. सो न्यूरो वर्ड किसको इंडिकेट करता है? नर्व को. सो नर्व, जब भी न्यूरो किसी वर्ड के आगे लगा होगा तो वो इंडिकेट कर रहा है नर्व को, जैसे कि न्यूरॉन. सो न्यूरॉन क्या है? एक नर्व सेल है. एंड न्यूरेल्जिया क्या है? नर्व्स में पेन होना, दैट इज न्यूरेल्जिया. नेक्स्ट इज वेजो. वेजो किसको इंडिकेट करता है? वेसल को. सो किसी वर्ड के आगे अगर वेजो लगा है तो वो वेसल को इंडिकेट कर रहा है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसको इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि वेजो कंस्ट्रिक्शन. सो वेजो कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी. सो वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्ट या फिर नैरो होना. नेक्स्ट इज ट्यूमर. ट्यूमर क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल. वैसे यूजुअली क्या होता है, हमारे सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, जो पुराने सेल्स है वो डाई हो जाते हैं, लेकिन ट्यूमर में क्या होता है, सेल्स ओवर प्रोडक्शन होती है, इनकी ज्यादा मल्टीप्लाई होती है, इनका नंबर इंक्रीज होता रहता है, एंड जो ओल्ड सेल्स है वो डाई नहीं होते, मरते नहीं है. सो इससे क्या होता है, एक मास, टिश्यू का मास बच जाता है वहां पर, जिसको स्वेलिंग भी बोलते हैं. सो ट्यूमर का मतलब है मास का फॉर्मेशन होना, टिश्यू का मास बनना बॉडी में. एंड ये कैंसर से डिफरेंट है. ट्यूमर बिनाइन होता है, यूजुअली स्प्रेड नहीं होता, लेकिन कैंसर बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, जो कि स्प्रेड भी होता है डिफरेंट पार्ट्स में. नेक्स्ट इज मीडियल. नाउ मीडियल क्या होता है? स्ट्रक्चर्स नियर मिडलाइन ऑफ द बॉडी. सो जो हमारी मिडलाइन है बॉडी की, मिडलाइन, उसके नियर जो स्ट्रक्चर्स है, दैट इज मीडियल स्ट्रक्चर्स. सो अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट और ह्यूमरस की, ह्यूमरस हमारी ये अपर आर्म वाली बोन है, एंड हार्ट और ह्यूमरस में से अगर बात करें तो हार्ट मिडलाइन की तरफ है, ज्यादा मिडलाइन की तरफ है एज कंपेयर टू ह्यूमरस. नेक्स्ट इज लेटरल. लेटरल का बेसिकली मतलब क्या होता है? साइड स्ट्रक्चर, जो साइड में होगा. सो स्ट्रक्चर्स अवे फ्रॉम मिडलाइन, जो मिडलाइन से अवे होगा. अगेन अगर हम हार्ट और ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस हमारा लेटरल स्ट्रक्चर है, वो ज्यादा साइड में प्रेजेंट है, क्योंकि वो ज्यादा अवे है मिडलाइन से एज कंपेयर टू हार्ट. नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल क्या होता है? अटैचमेंट नियर द लिम्ब. सो लिम्ब में हम बात करेंगे अपनी आर्म्स की या फिर अपेंडेजेस की. सो प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा होगा? हमारा ह्यूमरस एज कंपेयर टू अल्ना और रेडियस. सो अल्ना और रेडियस क्या होंगे? डिस्टल. डिस्टल क्या होगा? अटैचमेंट डिस्टल फ्रॉम लिम्ब. सो जो लिम्ब में दूर अटैचमेंट होगी, सो हम कंपेयर करेंगे ह्यूमरस से और अल्ना और रेडियस से. सो अल्ना और रेडियस कहां प्रेजेंट है? डिस्टल मतलब दूर प्रेजेंट है. प्रॉक्सिमल कौन सा प्रेजेंट है? ह्यूमरस.
सिमिलरली हमारा फीमर जो कि थाई की बोन है वो कहाँ प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल लिम में, प्रॉक्सिमल साइड प्रेजेंट है, पास में प्रेजेंट है, एंड डिस्टल कौन सी प्रेजेंट है, टीबिया एंड फिबुला। सो प्रॉक्सिमल पी से आप याद रख सकते हैं पास में एंड डी से दूर। देन आते हैं एंटीरियर और वेंट्रल। एंटीरियर या फिर वेंट्रल का क्या मतलब है, फ्रंट व्यू। सो ये मेरी बॉडी का फ्रंट है, सो दिस इज एंटीरियर और वेंट्रल पार्ट। सपोज ये हैंड है, सो ये हैंड का फ्रंट वेंट्रल या फिर एंटीरियर पार्ट है। देन आता है पोस्टीरियर या फिर डोर्सल जिसको कहते हैं बैक। सो ये हैंड का ये पोस्टीरियर डोर्सल या फिर बैक पोर्शन है। देन आता है सुपीरियर। सुपीरियर क्या होगा, पार्ट नियर द हेड। सो जो हेड के पास पार्ट होगा दैट इज सुपीरियर या फिर ऊपर। आप याद रख सकते हैं सुपीरियर को ऊपर की तरफ। सो हेड की तरफ हमारा कौन सा पार्ट है, अगर मैं स्कल और स्कैपुला की बात करूं, सो स्कल क्या है, सुपीरियर है स्कैपुला से। देन हमारा आता है इंफीरियर। इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, मतलब पार्ट नियर टो। सो जो हमारा टो या फिर पैर की तरफ जो पार्ट होगा दैट इज इंफीरियर। अब सिमिलरली स्कल या फिर स्कैपुला में से इंफीरियर कौन सा है, स्कैपुला, क्योंकि वो स्कल से नीचे है। सो सुपीरियर का मतलब ऊपर एंड इंफीरियर का मतलब नीचे या फिर बॉटम में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।